देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम यूजिंग क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल है स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट का पार्ट है। हम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा था मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का, और यहाँ पे इसी प्रकार के इक्वेशन को क्रेमर्स रूल से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे। वहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा था एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से, और उसी प्रकार का इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे क्रेमर्स रूल से, जो कि डिटरमिनेंट के सहायता से बनता है। वहाँ भी डिटरमिनेंट हेल्प किया था, वहाँ पे फार्मूला अलग था, वहाँ पे हमें ए इनवर्स फाइंड करना पड़ा था, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे किसी भी प्रकार का ए इनवर्स फाइंड नहीं करते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन हम लोग डिटरमिनेंट की सहायता से करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, सोल्यूशन देखिए। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, लिखा है यूजिंग क्रेमर्स रूल, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस इक्वेशन को आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखना है लेट, जिस तरह से हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड में पढ़ा था उसी प्रकार से कुछ दूर तक उसी टाइप से इसका सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ये हो जाएगा 3, 4, -3। उसके बाद ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3, -2, 4। ये हो जाएगा आपका 3, 2, -1। इस जेड का कोफिशिएंट क्या है, माइनस में है। उसके बाद स्टूडेंट्स कैपिटल बी इज इक्वल टू, बी में क्या होगा ये 5, उसके बाद यहां पे 7 और उसमें 3। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये होगा स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड। क्या लिखते थे, इसीलिए ए एक्स बराबर बी, फिर एक्स बराबर ए इनवर्स इनटू बी, किसमें लिखते थे मैट्रिक्स में थे, लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ से समझना है आपको, हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड। सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसीलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट में चेंज हो जाएगा 3, 4, -3, 3, -2, 4, 3, 2, -1। बताए हैं किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत बार हम लोग पढ़े हैं। ये हो जाएगा स्टूडेंट 3, डायरेक्ट करते हैं, ये लाइन छोड़ना है, ये लाइन छोड़ देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2, -1, तो 2 माइनस, 4 × 8, फिर माइनस लेंगे ये 4। स्टूडेंट्स ये लाइन छोड़ देना है और ये लाइन छोड़ेंगे तो 3 × -1 -3 और 4 × 3 -12, फिर प्लस का चिन्ह लेते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट्स, -3 ले लिए, ये लाइन छोड़ देना है और ये लाइन छोड़ देना, गुना होगा इसको इससे, गुना करेंगे 3 × 6 -3 × -2 -6 -+6, क्या आया यहाँ पे बच रहा है -6 -6 × 3 -18, फिर देखिए 12 × 3 = -15 -15 + 15 = 60। यहाँ पे 6 × 6 = 12 और 12 × 36 - 36, तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 54, -54 + 60 बचेगा कितना 6, ये 0 के बराबर नहीं है इसलिए एडजस्ट करेगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए आया है आपका 6, जो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। अब स्टूडेंट हमें फाइंड करना है dx मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ x, यहीं से समझना होता है अच्छा से, यहां से अगर आप समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। dx का मतलब क्या स्टूडेंट्स, इस पे गौर कीजिए, 3, 4 - 3, 3 - 2 - 4, 3, 2 - 1, ये जो सारा नंबर है ये किसका कोफिशिएंट है, x y z का, ये जो इक्वेशन है
इसी इक्वेशन से हमने ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बनाया ए। तो ये जितना भी नंबर है वो किसका कोफिशिएंट है, एक्स वाई जेड का। तो बताओ इस मैट्रिक्स में एक्स का कौन कौन कोफिशिएंट है, एक्स तो फर्स्ट है ना, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 3 है। मतलब स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम का जितना भी नंबर होगा वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, सेकेंड कॉलम का जितना भी एलिमेंट है वो वाई का कोफिशिएंट होगा, और थर्ड कॉलम का जितना भी एलिमेंट है वो जेड का कोफिशिएंट होगा। देख लीजिए 3 3 3 3 3 3, अब देखिए 4 4 है, -2 -2 है, -1 जेड का होगा, कहीं गलती कर देखना है, रुकिए वाई का, सॉरी वाई का देखना था, 4 4 है, यहाँ पे -2 -2 है, यहाँ पे देखिए वाई का 2 है, यहाँ पे 2 है, ये देखिए जेड का कोफिशिएंट होगा -3 -3 +4 +4 -1 -1। तो पहला कॉलम का ये जितना भी नंबर है ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, और ये z का कोफिशिएंट है। स्टूडेंट जब हमें dx निकालना हो तो ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ये समझ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। dx मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ x। तो स्टूडेंट्स x का बात हो रहा है ना, तो x का कोफिशिएंट कौन है, पहला कॉलम, इस कॉलम को गायब कर देना, यहाँ से हटा देना, इस सारे नंबर को यहाँ से हटा देंगे ऐसे करके, और इस लाइन में है इसको सेट कर देंगे b वाला 5 7 3। अगर हमें dx निकालना है तो इस लाइन को गायब कर देंगे ऐसे, x वाला कोफिशिएंट खत्म हो जाएगा और उसके जगह पे ये ले लेगा प्लस, ये जो है ना 5 7 3 ये जाके यहाँ सेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ पे सेट होगा तो होगा स्टूडेंट्स 5 7 3, अब बाकी के दोनों उतर जाएगा, यानी 4 -2 2 -3 4 -1, समझ गए। जब डी एक्स निकालेंगे तो एक्स वाला खत्म हो जाएगा, उसके जगह ये ले लेगा इसे, और यहाँ पे लिखा जाएगा टोटल, ये दोनों लिखाएगा, इसको सॉल्व कर देना, लिख दीजिए यहाँ पे, मिटा दिए थे समझाने के लिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 5 बाहर रहेगा, ये लाइन छोड़ना है, ये लाइन छोड़ना, उसी तरह से -2 - -1 यानी +2 - 8, फिर -4, ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 - -1 - 7 और -12 प्लस, यहाँ -3 है, ये हो जाएगा स्टूडेंट ये लाइन खत्म, 7 - 2 यानी 14 माइनस 3 दोनों 6 यानी +6, ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -6 तो -6 बचे 30, और यहाँ हो जाएगा 7 12 7 19 19 6 76 +76, यहाँ पे 14 6 20 20 -60, ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा 60 60 70 80 90, यहाँ पर है 76 4 80 10 14 -14। तो स्टूडेंट डी एक्स का वैल्यू कितना आया -14, देख लीजिए गलती तो नहीं किया मैंने, फिर दिक्कत हो सकता है, ये लाइन तो सही है 2 - 8 सही है, फिर 4 लिया यहाँ पे, ये लाइन खत्म, 7 + 7 = 12 यहाँ भी ठीक है, प्लस ये -3 ये लाइन, ये 7 × 14 प्लस 6 14 6 20 तो 20 + 60 -60 12 7 19 + 76 यहाँ पे -6 - 6 = 30 60 30 90 तो 6 4 10 7 8 9 सही है स्टूडेंट, यहाँ तक सही है। उसके बाद लिखना है डी वाई, डी वाई मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ वाई, इसका मतलब है स्टूडेंट्स डी वाई जब लिखेंगे आपको पता चल गया होगा किसको गायब करना है, किसको गायब करना है वाई वाला, ये सेकेंड रो जो है ना y का, पहला स्टूडेंट x का है, दूसरा y है, तीसरा z है, समझने के लिए तो ये वाला लाइन यहाँ से हट जाएगा, ये वाला लाइन यहाँ से हटा देंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे किसको रख देंगे, ये वाला 5 7 3 को, ये b का जो है ना यहाँ पे सेट हो जाता है। तो ये तो लिखाएगा ही फर्स्ट 3 3 3
और ये बीच में जो है ना स्टूडेंट्स ये सेट होगा कौन सा 5 7 3 और ये लास्ट वाला नीचे लिखाएगा -3 4 -1। ठीक है, यहाँ से अगर आप हटाए हो तो लिख भी दो 4 -2 +2। अब फिर इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करिए, ये हो जाएगा 3 ये लाइन -7 -12 फिर -6 5 ये लाइन खत्म, तो ये हो जाएगा 3 -1 -1 -3 4 12 फिर माइनस प्लस होता है यहाँ माइनस है -3 ये लाइन खत्म 3 3 9 -21। स्टूडेंट्स इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 12 7 19 19 57 -57 ये 12 3 15 15 5 75 75 और ये हो जाएगा 30 30 90 90। बस कैलकुलेशन देख लीजिएगा सही हो रहा कि गलत हो रहा है, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत ही हो जाता है। कैलकुलेशन बस देखना है सही है, बस तरीका समझ जाना किस तरीके से बन रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कितना, सॉरी 90 नहीं हो, गलती कर दिया मैंने, यहाँ कितना बचा है 9 माइनस हो जाएगा तो 8 12 हो जाएगा 12 21 -12 -3 12 36। ये सही है, अब सही है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस प्लस हो जाएगा क्या, हाँ जी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो गया 12 7 19 19 57 माइनस है तो 75 और 36 कितना 6 5 11 7 3 10 1 11 6 5 11 7 3 10 11 इसमें से 57 को माइनस कर दो, ये 11 7 4 यहाँ बचा 10 10 5 5 54 बचा, ठीक है 54 यहाँ पर है 54। ये किसका जीरो स्टूडेंट्स डी वाई का, हम निकालना है डी जेड, डी जेड का मतलब क्या, ये जेड वाला जो है ये थर्ड कॉलम ये रिप्लेस होगा और इसके स्थान पे ये जकड़ लेगा, तो क्या होने वाला है आपको पता ही होगा क्या होगा, सो ये स्टूडेंट हो जाएगा आपका 3 3 यहाँ पे 4 -2 2 बस ये खत्म, ये लाइन जेड है तो ये प्लेस 5 7 3 इसको भी एक्सपेंड कर लीजिए लास्ट है स्टूडेंट्स 3 ये लाइन खत्म 3 2 -6 -14 फिर माइनस का चिन्ह लेंगे यानी 4 तो ये हो जाएगा आपका ये देखिए है ये लाइन खत्म 9 -21 फिर प्लस 5 स्टूडेंट्स ये लाइन खत्म 3 2 6 और +6 ठीक है इसका देखिए क्या रहा है जो 14 6 20 20 60 -60 ये हो रहा है स्टूडेंट्स 12 9 21 तो -12 12 6 48 +48 6 6 12 25 60 तो ये तो कट जाएगा दोनों क्या बच रहा है 48। स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया यहाँ से dx dy और dz का वैल्यू निकाल दिया, जब भी क्रेमर्स रूल से क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है ना, यहाँ तक आएंगे फिर डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ से चेंज होगा ना, यहाँ तक तो मैट्रिक्स मेथड भी सेम है लेकिन यहाँ से अब क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ x ये जो रिप्लेस करने वाला था x में x को हटा के इसको सेट कर देना है, dy में y को हटा के इसको सेट कर देना है, dz में z को हटा करके इसको सेट कर देना है ना। चलिए इधर मिटाओ मिटाएं स्टूडेंट्स, अब हमें x का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए x का, इतना कुछ तो हम x का वैल्यू ही फाइंड करने के लिए तो कर रहा, इस x y z का वैल्यू स्टूडेंट फाइंड करेंगे तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ x लिखेंगे, इसीलिए वैल्यू ऑफ x ये होता है स्टूडेंट्स dx बाय डिटरमिनेंट ऑफ a फॉर्मूला है, x का वैल्यू तो dx बटे डिटरमिनेंट ऑफ a तो dx का वैल्यू स्टूडेंट कितना आया -14 आया है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -7/3 ये आंसर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स
कैलकुलेशन सही तो हुआ है 90 और यहां पे 76 4 हां सही है। उसके बाद स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ y ये हो जाएगा स्टूडेंट dy बटे डिटरमिनेंट ऑफ a। dy का वैल्यू देखिए कितना है 54 बटे 6 कितना 9 6 54। लास्ट में वैल्यू ऑफ z ये जाएगा dz बटे डिटरमिनेंट ऑफ a। तो dz का वैल्यू देखिए कितना है 48 बटे 6 यहां पे 12 है। तो आंसर हो गया स्टूडेंट्स x का वैल्यू कितना निकला -7 बटे 3 y का वैल्यू 9 और z का वैल्यू 12। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर नोट कर लो। देख 12 कैसे हो 8। अबे यार ये से नोट कर लीजिए यही क्रेमर्स रूल है।